हेलो एवरीवन दिस इज़ द फोर्टीनथ वीडियो ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जनरल देखा था अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट देखेंगे तो चलिए आइए हम लोग स्टडी करते हैं देखो इन जाइलम टिश्यू हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जाइलम का क्या फंक्शन होता है जाइलम टिश्यू में जो इसके वेसल्स और ट्रैकिट्स हैं ज़ाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें ये कई पार्ट से मिलकर बनता है जिसमें वेसल्स होती हैं ज़ाइलम वेसल्स और ज़ाइलम ट्रैकिड्स तो वेसल्स और ट्रैकिड्स जो रूट स्टेम और लीव्स की होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं जिससे एक कॉन्टीन्यूस सिस्टम क्रिएट होता है वाटर कंडक्टिंग चैनल्स क्रिएट होते हैं जिससे वो वाटर पहुंच जाता है प्लांट के सभी पार्ट्स में मतलब फ्रॉम द रूट्स टू लीफ एट द रूट्स रूट्स में क्या होता है जो सेल्स सॉइल के कॉन्टेक्ट में होती हैं वो एक्टिवली मतलब एनर्जी को खर्च करके आयंस को टेकअप करती हैं सॉइल से मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें वो आयंस को एनर्जी uh, खर्च करके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वो टेकअप करते हैं रूट्स इससे क्या होता है एक डिफरेंस क्रिएट होता है कंसंट्रेशन में ऑफ़ दिज आयस बिटवीन द रूट एंड द सॉयल क्योंकि रूट्स जब एक्टिवली आयस को टेकअप करते हैं तो रूट्स में आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉयल जिसको एक्बरीइ करने के लिए जिसको एक्बराइज करने, करने के लिए क्या होता है जो वाटर होता है वो मूव करता है रूट्स में फ्रॉम द सॉयल टू एलिमेंट दिस डिफरेंस इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए दिस मीन्स दैट दर इज़ अ स्टडी मूवमेंट ऑफ और इससे होता क्या है कि लगातार जो वाटर है वो रूट में में जो रूट में जायलम टिश्यू रूट जायलम में ये आता रहता है क्रिएटिंग अ वाटर कॉलम एक वाटर कॉलम क्रिएट होता है जो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की ओर पुश होता है मतलब यहाँ पर आप देखे लिखा है वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स तो रूट हेयर्स या रूट्स के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब होता है एच टू ओ वो ऊपर की तरफ पुश किया जाता है हाउ एवर दिस प्रेशर इज़ इट्सल्फ इज़ अनलाइकली टू बी इनफ मतलब ये जो प्रेशर है ये बहुत कम होता है तो ये इनफ प्रेशर नहीं है टू मूव वाटर और हाइट्स बहुत ऊंचाई तक वाटर को पहुंचाने के लिए जैसा हम लोग प्लांट्स में देखते हैं तो ये रूट प्रेशर है तो सबसे पहले जो नीचे फैक्टर ऐड हुआ दैट इज रूट प्रेशर फिर क्या होता है कि प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी अब ज़्यादा ऊंचाई तक अगर प्लांट्स में वाटर को पहुंचाना है तो प्लांट्स दूसरी स्ट्रेटजी भी फॉलो करते हैं टू मूव वाटर इन द ज़ाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी जिससे ज़ाइलम के थ्रू जो वाटर है अलोंग विद मिनरल्स प्लांट के जो हाइएस्ट पॉइंट है लीफ है जो टिप है वहाँ तक पहुँच सके तो उसके लिए प्लांट क्या करते हैं प्लांट हैज एन एग सप्लाई ऑफ वाटर द वाटर विच इज लॉस्ट मतलब जो प्लांट की लीफ में स्टोमेटा होते हैं उस स्टोमेटा से जो वाटर लॉस होता है उसको रिप्लेस करता है वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ मतलब जो जाइलम वेसल के अंदर वाटर होता है वो लीफ में स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको कंपनसेट करता है उसकी जगह पे आता है तो होता क्या एग्जैक्टली एवेपोरेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ अब लीफ से जो एवेपोरेशन होता है वाटर मोलिक्यूल्स का इससे एक सक्शन प्रेशर एक खिंचाव एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है विच पुल्स द वॉटर द दायलम सेल्स ऑफ द रूट्स वो उस वाटर को जायलम वेसल से सक करता है ऊपर की तरफ खींचता है जो रूट प्रेशर की वजह से जायलम वैसल्स के अंदर आया था ट्रांसपरेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन मतलब एक्सेस वाटर का लॉस वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट के एरियल पार्ट्स जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ठीक है स्टोमेटा है क्यूटिकल है लीव्स हैं मतलब इन सबसे होता है तो जो वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स प्लांट के दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन ये स्टोमेटा के भी थ्रू होता है ये क्यूटिकल के थ्रू भी होता है ये लेंटिसल्स के थ्रू भी होता है लेंटिसल्स पोर्स होते हैं जो स्टेम में होते हैं ठीक है तो ट्रांसपरेशन तीनों जगह तरह से होता है दस ट्रांसपरेशन क्या करता है हेल्प करता है एब्जॉर्बशन एंड अपॉइड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्योंकि ट्रांसपरेशन की वजह से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जो जाइलम वेसल में वाटर को रूट से ऊपर की तरफ सक करता है द वॉटर एंड मिनरल डिजोल्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लिवस रूट से लेकर लीव तक पहुँचाने में हेल्प करता है इट हेल्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है क्यों क्योंकि जो प्लांट है दिन भर धूप में खड़ा रहता है अब जो यहाँ पे सनलाइट जो पड़ रही है उससे इसकी सरफेस बहुत ज़्यादा हीटअप हो सकती है डैमेज हो सकती है तो जो वाटर यहाँ से निकलता है वेपर की फॉर्म में वो प्लांट के चारों तरफ एक ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है जिससे एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है यहाँ पे तो क्या करता है एक यहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट जिस जिस तरीके से अगर हम लोग दिन भर धूप में खड़े रहें या दिन में धूप में हो तो हम लोग से स्वेटिंग होती है तो जो काम स्वेट करता है तो हम लोग के हीट को बॉडी से रिलीज करता है तो वैसे ही क्या होता है जो प्लांट्स है उसमें ट्रांसप्रेशन का भी ये फंक्शन होता है ठीक है क्योंकि प्लांट्स तो मूव कर नहीं सकते हैं इसलिए धूप में ही क्या होता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम पर ट्रांसप्रेशन लॉस ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है ट्रांसपरेशन और एक्सेस वाटर जो कि उससे लॉस होता है उसकी वजह से एक नीचे से जो वाटर होता है रूट से वो ऊपर की तरफ सक होता है अलॉन्ग विद मिनरल्स द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट अब रूट प्रेशर जब देखो ड्यूरिंग नाइट जिस समय ट्रांसप्रेशन नहीं होता है ट्रांसप्रेशन जिस समय नहीं होता नाइट के टाइम पे उस टाइम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसका होता है वो रूट प्रेशर का होता है तब उसमें ज़्यादा मेजर जो फैक्टर होता है इन्वॉल्व होता है फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर वो रूट प्रेशर होता है ड्यूरिंग द डे जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है मूवमेंट ऑफ वाटर के इन दायलम ठीक है बात समझ में आ रही है मतलब ड्यूरिंग डे टाइम जो वाटर मिनरल्स का जो मूवमेंट है वो उसमें ज़्यादा मेजर जो ड्राइविंग फैक्टर होता है वो होता है ट्रांसपरेशन पुल ट्रांसपरेशन एंड ड्यूरिंग नाइट जब ट्रांसपरेशन नहीं होता है ट्रांसपरेशनल एक्टिविटी नहीं होती है उस टाइम पे जो मेजर फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर वो होता है रूट प्रेशर इन दोनों के बीच में एक फैक्टर और काम करता है जिसे बोलते हैं कोहेसिव एंड अधिव फोर्स ये आपके यहाँ पे एन में दिया नहीं गया है मतलब कोहेसिव एधेसिव फोर्स एक तरीके से वाटर कॉलम को मेनटेन करने में हेल्प करता है ठीक कोहैसेव एधेसिव होता क्या बता देते हैं जैसे जायलम है इसमें वाटर मूव कर रहा है तो वाटर वाटर मॉल मतलब वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा एट्रेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स दैट इज कोहेसिव फोर्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का जायलम वेसल्स की वॉल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स होगा दैट इज़ एडहेसिव फोर्स तो ये जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स होता है ये वाटर कॉलम को मेनटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बट दैट इज़ द थर्ड फैक्टर तो मेजर फैक्टर हो गया ट्रांसपिटेशन पुल रूट प्रेशर और तो दूसरा तो आ गई होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी में ही देखिए जैसा हम लोग ने अभी बात की कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में थ्रू जाइलम वेसल्स ठीक है नाउ अब जो प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं मतलब जो मेटाबॉलिज्म हुआ ठीक है जो फोटोसिंथेसिस हुई रेस्पिरेशन हुआ उसके जो प्रोडक्ट्स बने अब फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं जैसे बना कार्बोहाइड्रेट अब उसको लीव्स से मूव कराना होगा लीव्स जहाँ पे वो बने हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट मतलब जहाँ पे उनको ज़रूरत है ठीक है मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अब प्लांट्स को जरूरत है प्लांट्स के पार्ट्स को जहाँ उसको एनर्जी की जरूरत है तो वहाँ पर इन शुगर को पहुँचाया जाएगा देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ सलेबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्ड ट्रांसलोकेशन अब जो शुगर डिजोल्व फॉर्म में मतलब जो शुगर बनी है फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है शुगर वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू दैट इज नोन एज फ्लोएम और ये फ्लोएम के थ्रू होता है ये हम लोग पहले वीडियो में भी देख चुके हैं ठीक है फ्लोएम जो होता है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्लेम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस फ्लेम शुगर के साथ साथ अमिनो एसिड और दूसरे जो अदर मिनरल एलिमेंट्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है इन द प्लांट। दीज सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट्स अब exactly जो फूड बन रहा है लीव में वो अगर स्टोरेज फॉर्म में जाएगा स्टोर होगा तो या तो रूट्स में जाएगा या फ्रूट्स में जाएगा या सीड्स में जाएगा या दूसरे जो ग्रोइंग ऑर्गनस होंगे वहाँ जाएगा जैसे हम लोग ने देखा होगा कैरट हम लोग जानते हैं रेडिश जानते हैं गाजर है मूली है ये जो रूट हैं इनकी रूट जो फ़ूड स्टोर करती हैं तो इसका मतलब है कि कैरेट और जो रेडिश है इनमें जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं जो फूड दर्ज करती हैं वो इस रूट्स में स्टोर करती हैं बाकी जो अगर जो फ्रूट प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट्स निकलते हैं उनमें फ्रूट्स में स्टोर होता है जो सीड्स होते हैं फूड स्टोर करते हैं कॉडलेडनस सीड होते हैं उनमें भी फूड स्टोर होता है और दूसरे अदर जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं जैसे बड हैं स्टेम हैं ठीक है, है और पार्ट्स हैं लीव्स हैं उनमें भी फूड स्टोर होता है द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस जो ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है आपको पता है कि फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स इसमें हमने कहा था सपोर्टिंग सेल्स होती हैं कंपेनियन सेल्स जो हेल्प करती हैं बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट को ठीक है ये आप लोग ने देखा था इसको देखिए ये प्लांट है ये प्लांट में देखिए ज़ाइलम वेसल्स हैं ज़ाइलम वेसल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हैं और इसका जो मूवमेंट होता, होता है वो सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में होता है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मतलब फ्रॉम रूट्स टू लीव्स ठीक है रूट्स टू लीव्स होता है जबकि जो फ्लोएम की बात अगर हम करें फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं पढ़ाए अपने उसकी कंपेनियन सेल्स होती हैं ये दोनों फ्लोएम कहलाते हैं

से ये मूव कर जाएगा कहाँ पे सिंक में सिंक वो पोर्शन है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाएगा जहाँ पे फूड का यूटिलाइजेशन होगा तो फ्रॉम सोर्स टू सिंक ये जो ट्रांसलोकेशन होता, होता है, तो है का का, ये फ्लोएम के करॉस होता है टो एक फ्लोएम के थ्रू होगा दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द प्लांट और जो जालम वेसल है इसमें वाटर मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन का बट ये यूनि डायरेक्शनल होगा जबकि जो फ्लोएम है इसमें बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है

कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस ट्रांसलोकेशन इज अब जयलम में जो तो ट्रांसपोर्ट हमने देखा था उसमें फैक्टर इन्वॉल्व थे रूट प्रेशर था कोई ऐसी से फोर्स था पुल था बट द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाई यूटिलाइजिंग एनर्जी इसमें एनर्जी खर्च की जाती है इसमें एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है जैसे सुक्रोज है इसको फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है ये एनर्जी खर्च करके होता है यूजिंग एनर्जी फ्राम ए ठीक है तो जो शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी खर्च होती है इससे क्या होता है दिस प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इट अब इससे और जब शुगर एक तरफ मूव करेगा वहां पे कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर भी वहां पे मूव करेगा दिस प्रेशर मूव द मेटेरियल इन द फ्लेम टू विच विच हैव टू लेस प्रेशर अब क्या होगा जब शुगर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगी फ्लेम में तो वहाँ उधर की तरफ वाटर भी मूव करेगा और वाटर के मूव करने से क्या होगा जो शुगर होगी वो डिजॉल्व फॉर्म में वाटर के फ्लो के साथ साथ आगे बढ़ेगी तो इस तरीके से फ्रॉम सोर्स टू सिंक जो वाटर होता है अलॉन्ग शुगर ये मूवमेंट चलता है दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड जितनी प्लांट की नीड मतलब जितना सिंक में जरूरत होगा उतना ही सोर्स से जो ये मेटेरियल पहुँचेगा फॉर एग्जाम्पल अब जब स्प्रिंग की बात करें स्प्रिंग जब फ्लावर निकलते हैं जब बर्ड्स निकलती हैं तो जो शुगर स्टोर्ड है रूट स्टेम टिश्यू में वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी बड्स में जहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उस समय वहाँ पे बडिंग होती है बहुत ज़्यादा उसमें फ्लारिंग होती है और फ्लार्स निकलते हैं तो जहाँ पे एनर्जी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे शुगर का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो आई थिंक आप लोग को बेटा ये समझ में आ गया होगा बहुत ही ईजी है ठीक है शुगर जो होती है पहले शुगर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोम में अब फ्लोएम के अंदर का कंसनट्रेशन बढ़ता है तो बाहर से जो वाटर होता है वो भी क्या कर जाता है फ्लो कर जाता है जब वाटर फ्लो करता है फ्लोम में वाटर के बढ़ने की वजह से जो वाटर है वहाँ से मूव करेगा और वो शुगर को लेकर के मूव करेगा ठीक है तो चलिए आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा आ, चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बेटा और क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और जल्द ही आपको आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको इस पर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा